बीते वर्षों में हजारों कंप्लाइंसेस बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा। ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्थाएं विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है और इसके लिए भी ये सदन का मैं आभारी हूँ। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे एक सरकार टांग क्यों अड़ाए। हाँ, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवी की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे हैं, छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस, यहाँ तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार अगर वाइट वॉश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो। अब ये जो एक प्रकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल कहते हैं उन लोगों की आइडियोलॉजी, और देश में ये तुमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए भाई, वो करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, वो सोसाइटी फ्लैट वाले लोग अपने लिफ्ट रिपेयर करते ही है जी, हर चीज़ कर लेते हैं। तो ये जो समाज पर नागरिक पर भरोसा करने का काम, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोकसभा ने किया है और इसके लिए जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूँ 180 से ज़्यादा प्रावधान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है, वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। कोर्ट की चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम मध्यस्थता का कानून, उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जो हमेशा हाशिए पर था, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है हम है। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था चलिए जान बच गई, सरकार सरकार होने का उसको एहसास होता था। और यही तो सामान्य मानवीय की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है, वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे।
17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम है, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हज़ार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को, और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी है, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है।